हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल का अंडरस्कोप स्कूल में। मैं हूं आपका होस्ट आकाश। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप पीछे बैकग्राउंड में देख पाए होंगे, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिलेवियो ऑटोमेटिक का डिटेल्ड रिव्यू। इस वीडियो में हम आपको इस गाड़ी के बारे में सब कुछ बताएंगे कि ऑटोमेटिक में ये गाड़ी कैसी है, माइलेज कैसा है इसका ऑटोमेटिक में, और फिलहाल गाड़ी की कंडीशन कैसी है और कैसी चल रही है ये गाड़ी। तो चलिए फिर दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कुछ ऐसी दिखती है सिलेरियो ऑटोमेटिक। मॉडल की बात करें तो ये गाड़ी जो है 2019 का मॉडल है, और कंडीशन की बात करें तो एक बार आपको गाड़ी का वॉक अराउंड दिखा देते हैं। फिलहाल जैसा कि आप वीडियो में देख पाओगे, गाड़ी जो है काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है। और इस गाड़ी की बात करें दोस्तों, तो जो लोग वैगनार वगैरह नहीं लेते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है वैगनार से, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है, और साथ ही साथ ये गाड़ी जो है लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी लगती है वैगनार से। बाकी दोस्तों, गाड़ी जो है इससे पहले वाला मॉडल था, उसका बम्पर अलग था। ये फेसलिफ्ट वाला वेरिएंट है जो कि 2016 में आया था। और लुक वगैरह की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गाड़ी का जो लुक है काफ़ी बढ़िया लगता है और आज भी काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है। और ये जो है दोस्तों, ये सिलेवियो का टॉप मॉडल है, तो आपको दिखा देते हैं इसके अंदर क्या क्या मिल जाता है। तो पहली चीज़ कुछ ऐसी दिखती हैं गाड़ी की हेडलाइट्स। हेडलाइट्स की बात करें तो नॉर्मल हेलोजन है, ये साइड इंडिकेटर और ये पार्किंग बल्ब है आपका। बाकी ग्रिल की बात करें तो कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी की ग्रिल। ऊपर में आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है, नीचे की ग्रिल कुछ ऐसी दिखेगी। और फॉग लाइट्स आपको इसके अंदर नहीं मिलेंगी, ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये गाड़ी का। तो चलिए अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ गाड़ी की, और साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी जो है बॉक्सी लुक बिल्कुल नहीं लगेगा, जैसे कि आपको वैगनार लगती है देखने में। और सेम प्राइस में दोनों गाड़ी अवेलेबल है मार्केट में। टायर साइज़ की बात करें इस गाड़ी के, तो दोस्तों टायर साइज़ भी आपको इसके अंदर बड़ा मिल जाता है। 14 इंच का टायर है। और साइज़ की बात करें तो ये आप देख रहे हैं गाड़ी के टायर का साइज़ है 165/70/14। साइड मिरर्स की बात करें दोस्तों, तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल साइड मिरर्स मिल जाते हैं आपको, जिस पे कि इंडिकेटर मिल जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है कि इसके टॉप मॉडल में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल साइड मिरर्स मिल जाते हैं इंडिकेटर के साथ में। और अब चलते हैं हम गाड़ी के पीछे की तरफ। तो पीछे से बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी बढ़िया लगती है गाड़ी। नए मॉडल में आपको पीछे डिग्गी के नीचे की ये वाली जो है, यहाँ पे एक प्लास्टिक लगी हुई मिलती है, जो इससे पुराना मॉडल है उसके अंदर ये वाली प्लास्टिक नहीं मिलती है। वहाँ पर थोड़ा सा आपको गड्ढा फील होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं फील होता। पीछे आपको रियर वाइपर मिल जाएगा ZXI ऑटोमेटिक वेरिएंट में। ये आप देख रहे हैं ऑटो शिफ्ट गियर शिफ्ट की बैजिंग है, ये सिलेवियो की बैजिंग। इस साइड में आपको मिलेगी मारुति सुजुकी की बैजिंग। पीछे रियर वाइपर मिल जाएगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, ये वॉशर फ्लूइड के लिए है। और पीछे आपको मिल जाएंगे जो है, उसके अलावा नीचे आपको बम्पर जो है कुछ ऐसा दिखेगा, पार्किंग सेंसर्स वगैरह नहीं मिलते हैं बम्पर पर। तो चलिए अब आपको गाड़ी का बूट खोल के दिखा देते हैं। तो बूट खोलने के लिए हम निकाल देते हैं पहले गाड़ी की और आपको गाड़ी की भी दिखा देंगे कि कैसी कंडीशन में है। तो कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी की। ये आपको रिमोट वाली मिल जाएगी, और स्विफ्ट में भी सेम की आपको मिलती है। तो कुछ इस तरीके से गाड़ी का जो है बूट खुल जाएगा, आपको एक हैंडल मिलता है बूट खोलने के लिए। और स्पेस की बात करें तो दोस्तों काफ़ी भरपूर स्पेस है। अगर आप इसके अंदर CNG भी लगा दें तो काफ़ी स्पेस बचा रहेगा, एक टायर के लिए जगह बची रहती है। ये इसकी लगेज ट्रे। और टायर की बात करें तो पीछे आपको ये स्टेपनी है इस गाड़ी की, बाकी टूल्स वगैरह हैं। तो स्पेस जो है काफ़ी अच्छा मिल जाता है इस गाड़ी की डिग्गी के अंदर। वैगनार से आप कंपेयर करोगे थोड़ा सा कम हो सकता है, पर इसका जो स्पेस है वो यूज़ेबल है। बाकी यहाँ पे आपको एक हैंडल मिलेगा कुछ इस तरीके से, जिससे कि आप बूट को बंद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं पैसेंजर साइड डोर की तरफ और आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखा देते हैं। तो गाड़ी के इंटीरियर की बात करें दोस्तों, तो कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का पैसेंजर साइड डोर। पीछे आपको पावर विंडोज़ मिल जाएंगी, चारों पावर विंडोज़ आती हैं इस वेरिएंट में। ये नीचे स्पीकर है, और स्पीकर्स के आपको अंदर कंपनी फिटेड मिल जाएंगी। ये बोतल होल्डर हो गया, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। ये पावर विंडो के कंट्रोल्स, लॉक एंड लॉक हैंडल,
इंटीरियर जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी स्पेसियस इंटीरियर है गाड़ी के अंदर, हेडरूम की कोई कमी नहीं है ना ही लेगरूम की कोई कमी है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और आगे की सीट जो है मैंने 5'10" के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, 6 फीट के हिसाब से भी आप इसे मान सकते हैं। और पीछे स्पेस की बात करें तो ये देखिए, अगर 5-10 का बंदा पीछे बैठता है तो लेग स्पेस ऑलमोस्ट 2 उंगली के बराबर बचा रहेगा। और हेड स्पेस की बात करें दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हेड स्पेस तो काफ़ी बचा हुआ है। बाकी इंटीरियर की बात करें, कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का इंटीरियर, इंटीरियर काफ़ी बढ़िया मिल जाता है आपको इस गाड़ी के अंदर। पीछे यहाँ पे आपको एक बोतल होल्डर मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से खुलता है। और गाड़ी का पैसेंजर साइड डोर, ग्रैब हैंडल्स हैं दोनों साइड में। उसके अलावा आगे आपको लाइट्स वगैरह मिलती हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। सीट बेल्ट वगैरह जो है वो एडजस्टेबल नहीं है, नॉर्मल सीट बेल्ट हैं, एक जगह फिक्स्ड हैं। और कवर्स जो हैं ये आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। तो चलिए फिर दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे से आपको गाड़ी दिखा देते हैं और उसके बाद गाड़ी की करेंगे हम टेस्ट ड्राइव और आपको बताएंगे कि ऑटोमेटिक वाली जो स्लेवी हो वो चलती कैसी है। तो ड्राइवर साइड आपको डोर खोल के दिखा देते हैं, कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इसमें आपको मिल जाएंगी 4 पावर विंडोज़, ये लॉक अनलॉक का बटन है, ये हैं साइड मिरर्स के लिए। उसके अलावा लॉक अनलॉक हैंडल, नीचे थोड़ा सा स्पेस, आगे आपको बोतल होल्डर नहीं मिलेगा, स्पीकर मिल जाएंगे। और कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का इंटीरियर फ्रंट ड्राइवर साइड से जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं बोनेट की तरफ और गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन की साउंड भी आपको साथ में ही सुना देंगे। गाड़ी हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो गई है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसी ही कंडीशन में है गाड़ी का इंजन। इंजन की बात करें तो काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है। और गाड़ी की बात करें दोस्तों तो ये गाड़ी जो है 24,000 किलोमीटर चल चुकी है और इंजन देखो आप, बिल्कुल नया इंजन पड़ा है और एक्स्ट्रा साउंड कोई भी नहीं है गाड़ी के अंदर। एक बार आपको साउंड सुना देते हैं, तो जैसा कि आपने सुना है इंजन में कोई भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं है। और इंजन की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है 1000 cc का KCV पेट्रोल इंजन। पावर वगैरह की बात करें तो वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी कि कितनी पावर ये गाड़ी जनरेट करती है। बाकी पिकअप वगैरह इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। और आपको एक बार इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी दिखा देते हैं, तो ये है गाड़ी का गियर बॉक्स और ये चीज़ जो है ये इसको ऑटोमेटिक बनाती है। इस चीज़ के बिना ये गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं है, जब ये अलग से लगता है तो उससे ये गाड़ी ऑटोमेटिक बनती है। बाकी दोस्तों थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, यहाँ से आपका वाइपर वाला फ्लूइड डलेगा, ये ब्रेक ऑयल का है, और यहाँ से आपका डलेगा कूलेंट इंजन हीटिंग के लिए, यहाँ से जब डालें जब ठंडी हो गाड़ी। तो चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। बोनेट की बात करें तो ये आपको काफ़ी लाइट फील होगा, आप जानते हैं मारुति की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी हल्की है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। इंटीरियर की बात करें दोस्तों तो कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का इंटीरियर और ये है इसके अंदर कंपनी फिटेड स्टीरियो, एक बार आपको इसकी साउंड सुनाएंगे हम। बाकी कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑटोमेटिक वेरिएंट का, ये 2 ट्रिप मीटर्स मिल जाते हैं आपको इसके अंदर। उसके अलावा किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, रेंज, एवरेज, तो ये सारी चीज़ें आपको शो होंगी। नीचे आपको टेम्परेचर दिखाएगा, टाइम दिखाएगा और यहाँ पे गियर दिखाता है कि कौन से गियर में गाड़ी। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमने न्यूट्रल में डाली हुई है और उसमें भी न्यूट्रल दिखा रहा है। एक बार आपको ड्राइव मोड में डाल के दिखा देते हैं, ये हमने ड्राइव में डाली और आप देख रहे हैं 1D लिखा रहा है। और अगर रिवर्स में डालेंगे तो ये रिवर्स लिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से इसकी MID में आपको दिखा देगा कि गाड़ी कौन से गियर में है। और स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो ये आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है, टिल्ट नहीं मिलेगा, सॉरी टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। बाकी ये आपको मिलेंगे म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल्स और इधर में आपको मिलेंगे ब्लूटूथ के कंट्रोल्स स्टेयरिंग व्हील पे। ये है हेडलाइट लेवलिंग का स्विच और हैजर्ड लाइट का स्विच। बाकी म्यूज़िक सिस्टम की एक बार साउंड सुना देते हैं, इसके अंदर आपको ब्लूटूथ, CD, AUX और USB जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना साउंड क्वालिटी इसके अंदर आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, बेस वगैरह आपको काफ़ी अच्छे से फील होगी। और ये है इसका AC जो कि आपको मिलेगा इस गाड़ी के अंदर, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, मैनुअल ही मिलता है। ये ऑन ऑफ का बटन है, ये है आपके ब्लोअर के कंट्रोल्स, मोड्स हो गए। और ये है इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, इस साइड में आप इसको मैनुअल करके चला सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये मैनुअल हो जाती है और अब ये ऑटोमेटिक में आ गई है। बाकी यहाँ पे आपको मिलेगा रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव, तो काफ़ी सिंपल सा गियर बॉक्स है, इजी टू यूज़ है। मैनुअल हैंडब्रेक मिल जाएगा, इस साइड में आपको मिल जाता है थोड़ा सा स्पेस,
तो सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ आपको इसके अंदर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है। इस साइड में आपको वैनिटी मिरर मिलेगा पैसेंजर के लिए, ये रीडिंग लाइट, और ड्राइवर साइड में आपको सिर्फ कार्ड होल्डर मिलेगा। तो चलिए फिर दोस्तों एक बार आपको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव दिखा देते हैं 24,000 किलोमीटर्स के बाद, और उसके बाद आपको बताते हैं कि गाड़ी आपको ये सेकंड हैंड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, नई ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो चलिए फिर दोस्तों गाड़ी की टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं। सबसे पहले पहन लेते हैं हम सीट बेल्ट और अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो गाड़ी जो है हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो गई है और फिलहाल आइडल कंडीशन में वाइब्रेशन की बात करें तो दोस्तों गाड़ी के अंदर कोई भी वाइब्रेशन अंदर फील नहीं हो रही है, हल्की सी आपको हैंडल पे जरूर फील होगी वाइब्रेशन। तो चलिए अब गाड़ी को डालते हैं गियर में। तो ये हमने गाड़ी गियर में डाल दी है और टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं गाड़ी की। तो इसमें आपको क्लच वगैरह छोड़ने की टेंशन नहीं रहेगी दोस्तों, क्योंकि ये गाड़ी जो है ऑटोमेटिक है और जैसे ही आप गियर में डालोगे गाड़ी अपने आप चल देगी ब्रेक से पैर हटाते के साथ। फिलहाल गाड़ी सेकंड गियर में आ गई है और हमने जो है एक्सेलेरेटर बिल्कुल हल्का सा दे रखा है, तो अभी फील नहीं हुआ कि गाड़ी ने गियर चेंज किया है। बाकी आगे देखते हैं कि आगे फील होंगे या नहीं होंगे। इसके अंदर आपको AMT ट्रांसमिशन मिलता है दोस्तों। तो चलिए अब थोड़ा गाड़ी को खींचते हैं। तो ये गाड़ी ने गियर चेंज किया और बिल्कुल बढ़िया तरीके से फील हुआ है। गाड़ी चलती चलती लैग लेती है और इसके बाद चली आगे को तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से फील हुआ, उसने दो गियर एक साथ चेंज किए। फिलहाल हम इसे इकोनॉमिकली चला रहे हैं और गाड़ी जो है दोस्तों फिफ्थ गियर में आ गई है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है गियर चेंज करते टाइम पे, काफी इजीली इस गाड़ी ने गियर चेंज कर लिए। अगर जब ये गाड़ी गियर चेंज करती है उस टाइम पे आप एक्सेलेरेटर से पैर हटा ले हो तो थोड़ा इजीली चेंज हो जाएंगे गियर, जैसे कि अब इसने चेंज किया और हमने एक्सेलेरेटर से पैर हटाया तो फील नहीं हुआ इतना। और जब भी आपको गाड़ी खींचनी हो गियर चेंज करना हो तो हल्का सा एक्सेलेरेटर दो, ये गाड़ी ने डाउनशिफ्ट किया। और अगर आपको अब गियर चेंज करना है तो एक्सेलेरेटर से पैर हटाओ, गाड़ी फोर्थ गियर में आ गई है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं जब आपको अपनी मर्जी से गियर डलवाने हो ऑटोमेटिक में, बाकी आप मैन्युअली भी डाल सकते हैं, इसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं इस गाड़ी का 0 to 60, और 0 to 60 हो रहा है इस गाड़ी का 24,000 किलोमीटर के बाद ऑटोमेटिक में, गाड़ी ड्राइव मोड में। तो 3, 2, 1 शुरू करते हैं। ये गाड़ी पहुंची है 20, ये गियर चेंज हुआ 40, 50 और गाड़ी 60 काफी इजीली, ये गाड़ी फोर्थ गियर में आ गई है। कभी कभी जो है दोस्तों ये गाड़ी दो गियर एक साथ चेंज कर दी देती है तो उस टाइम पे थोड़ा सा अजीब जरूर फील होता है, पर गाड़ी जो है काफी जल्दी 60 आ गई है। तो इस हिसाब से अगर इस गाड़ी के अंदर हम CNG भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, फ्यूचर में काफी इजीली ये गाड़ी गियर चेंज कर रही है। तो चलिए एक बार मैनुअल मोड में इस गाड़ी को भगाते हैं 0 to 60 और आपको बताते हैं कि मैनुअल मोड में ये कितनी जल्दी आती है। तो गाड़ी अभी फर्स्ट गियर में है 3, 2, 1, ये हमने सेकंड गियर डाला और गाड़ी 60 पहुंच गई काफी प्यार से, पहले से काफी जल्दी पहुंच गई। तो अगर आपको मैनुअली का भी मन गए भगाने का तो आप इसे मैनुअल मोड में ला सकते हैं, बाकी इस गाड़ी का मजा ऑटोमेटिक में कुछ अलग ही है। ये हमने डाउनशिफ्ट किया, काफी इजीली डाउनशिफ्ट हो गया, तो वापस हमने इस गाड़ी को ऑटोमेटिक में डाल दिया है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज वगैरह की दोस्तों। तो सिटी में जो है ये गाड़ी आपको 16 या 15 का माइलेज निकाल के देगी, फिलहाल इसके MID में भी 16 का माइलेज शो कर रहा है। गाड़ी का AC ऑन है। और हाईवे वगैरह की बात करें दोस्तों तो ये गाड़ी आपको 20 तक का माइलेज निकाल के दे देगी अगर आप इसे इकोनॉमिकली चलाते हैं, बाकी अगर आप खेच खाच के भगाएंगे तो 18 तक का आपको ये गाड़ी माइलेज निकाल के देगी हाईवे पे। सस्पेंशन वगैरह की बात करें दोस्तों तो काफी अच्छा लगा हमें इस गाड़ी का सस्पेंशन, इतने कोई खास गड्ढे फील नहीं होते हैं, बाकी थोड़ी बहुत टूटी फूटी सड़क जो होती है उन पे चला के आपको बताएंगे कि आगे कैसे फील होता है। फिलहाल स्पीड ब्रेकर वगैरह से काफी इजीली निकल जाती है, कोई भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं है इस गाड़ी के अंदर। अगर हम साउंड वगैरह की बात करें, बाहर की नॉइज आप सुन पाए होंगे, अंदर बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है। केबिन जो है काफी साउंड प्रूफ है इस गाड़ी का, इंसुलेशन जो है अच्छे तरीके से किया गया है इसका ऑटोमेटिक वाली स्लेवियों का। बाकी अब हम बात कर लेते हैं AC की, जो कि गर्मियों में जो है सबसे मेन चीज होती है। तो दोस्तों AC जो है ना काफी बढ़िया कूलिंग कर रहा है, फिलहाल हमने 2 पे सेट किया हुआ है और गाड़ी जो है ना पूरी चिल्ड पड़ी है बढ़िया तरीके से। तो AC को हम कह सकते हैं कि गाड़ी का AC जो है बिल्कुल जहर काम कर रहा है।
तो गाड़ी जो है गियर चेंज करती है जब ये गाड़ी डाउनशिफ्ट होती है ना, जब आप ब्रेक मारोगे उस टाइम पे आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि गाड़ी ने गियर चेंज कर दिए हैं, तो ये काफी बढ़िया है। और जिन लोगों को मैनुअल चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है तो काफी बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों, आप जा सकते हैं इसकी तरफ। बाकी अब बात कर लेते हैं जो लोग वैगनर और सिलाईयो के बीच में कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी गाड़ी लें हम अपने लिए, नई या फिर सेकंड हैंड, तो दोस्तों बेस्ट ऑप्शन आपके लिए सिलाईयो रहेगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर बॉडी रोल ये आप देख रहे हैं बॉडी रोल बिल्कुल नहीं है, काफी बढ़िया चलती है गाड़ी। वैगनर से अगर आप कंपेयर करोगे ना तो काफी बढ़िया ड्राइव मिलती है इस गाड़ी की आपको। बाकी आप देख रहे हैं आगे बोनेट आपको नहीं दिखेगा, पर जो अंदाजा है ना काफी प्यार से लगेगा कि आगे कितना है कितना नहीं है, इतनी बढ़िया आपको इसके अंदर ड्राइवर की पोजीशन मिलती है। वैगनर में जो आपको डब्बे वाली फीलिंग आती है ना वो इसके अंदर बिल्कुल नहीं आएगी दोस्तों, और पिकअप वगैरह आपको थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, वैगनर से थोड़ी सी ज्यादा रिफाइंड है ये गाड़ी। और फिलहाल जो है ये गाड़ी जो है टूटी फूटी सड़क पे चल रही है और अंदर कोई भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं है, काफी बढ़िया चल रही है। तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि 24,000 किलोमीटर चलने के बाद ये गाड़ी कैसी रहेगी, तो दोस्तों कुछ नहीं बिगड़ने वाला इस गाड़ी का 24,000 किलोमीटर पे। और जैसा कि आपने देखा हुआ है हमारे चैनल पे एक रिव्यू अवेलेबल है मैनुअल वाली सिलाईयो का, जो कि जो है 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, तो उस गाड़ी का भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है 2.5 लाख किलोमीटर काफी प्यार से चल जाती है अगर सिंगल ओनर हो और आप प्यार से रखो इस गाड़ी को। बाकी सेकेंड हैंड की बात करें दोस्तों तो ये गाड़ी आपको मार्केट में 3-3.5 लाख की मिलेगी, अगर ये 15-16 मॉडल है तो महंगी जरूर आपको मिलेगी ये गाड़ी वैगनर से, पर मजा जो है ना काफी ज्यादा देगी। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वैगनर के बराबर ही सेम है, पर अंदर का जो इंटीरियर है वो आपको फील एंड फिनिश जो होती है वो थोड़ी अच्छी फील होगी इस गाड़ी के अंदर। फॉरन जरूर आपको ऐसा लगेगा कि यही पैरों पे रखा है और वहीं बज रहा है वो, ये आप सुनो एक बार ऐसा ही लगता है कि गाड़ी के अंदर रखा है फॉरन। बाकी दोस्तों हैंडलिंग वगैरह काफी प्यारी है, हैंडल का रिस्पांस भी काफी अच्छा है, हाई स्पीड में स्टेबिलिटी भी इस गाड़ी की काफी अच्छी है अगर आप वैगनर से कंपेयर करें, और कट वगैरह मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिटी ड्राइव्स और लॉन्ग ड्राइव्स के लिए भी ये गाड़ी आपके लिए काफी बढ़िया रहेगी। तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि हम आपको सलाह देंगे या नहीं देंगे इस गाड़ी को लेने की, तो हमारी तरफ से थम्स अप है, आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों इतनी थी वीडियो सिलेरियो ऑटोमेटिक के ऊपर, आई होप हमने आपके सारे क्वेश्चंस कवर किए होंगे, अगर कुछ रह गए हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको वहां पे बताएंगे उसका जवाब। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें, हमारी इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।